हेलो इंजीनियर्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन में जो बिलिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से हमें एक्सेल फॉर्मेट्स यहाँ पर बना करके रखने और कौन कौन सी इसमें शीट्स हमें ऐड करनी पड़ेंगे। जब भी आप देखते हो किसी भी कंपनी में काम करते हो, जब आपकी कंपनी एक महीने काम कंप्लीट कर लेती है उसके बाद उसको क्लाइंट से पैसा लेना होता है, तो क्लाइंट से पैसा लेने के लिए उसको बिल बनाने पड़ते हैं और बिल बनाने में कोई भी एक सिंगल शीट नहीं होती है, बहुत सारी शीट्स आपको बनानी पड़ती हैं। वो सारी की सारी शीट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन बिलिंग सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्सेल फॉर्मेट्स आपको बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं एक्सेल फॉर्मेट्स, ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपकी एफसेक शीट है, बिल वेरिफिकेशन शीट है, आपका टैक्स इनवॉइस है, आपका रिकॉन्सिलेशन शीट है, प्राइस एस्केलेशन है, ये सारी की सारी शीट्स आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाज़िब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या है। जब भी हम एक महीने का काम कंप्लीट करने के बाद उसको हम समराइज करेंगे, यानी कि हम दिखाएंगे कि एक महीने में हमने क्या क्या काम किया, यानी कि जैसे कि हमने एक्सकवेशन किया फुटिंग के लिए, हमने फुटिंग का PCC कास्ट किया, फुटिंग का RCC कास्ट किया, फुटिंग का शटरिंग लगाया और हमने वहाँ पर स्टील लगाया फुटिंग का, यानी कि हमने जो जो एक महीने में काम किया वो सारा काम हमें दिखाना है क्लाइंट को। और जिस शीट में हम ये सारा काम दिखाएंगे वो हमारी होगी एब्स्ट्रैक्ट शीट, यानी कि हमने एक महीने में ये सारा काम किया, हमारी टोटल BOQ की क्वांटिटी कितनी थी, यानी कि BOQ यानी कि आपका बिल ऑफ क्वांटिटी, जो आपका टोटल काम है वो कितना है वो आप इसमें दिखाओगे, कम्युलेटिव क्वांटिटीज इसमें शो करोगे, आपका जो यूनिट रेट है यानी कि जिस रेट पे आपका और क्लाइंट का डील हुआ है वो रेट आप यहाँ पर शो करोगे और इसके बाद आपको मिलेगा टोटल अमाउंट, दिस बिल अमाउंट, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट शीट में रहेंगी। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट शीट का सिंपल सा मतलब है कि आपने जितना भी काम एक महीने में किया उसका डेटा आप यहाँ पर इस शीट में शो करोगे। तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा वो मैं आपको अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ये काम किया इस महीने में। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक्सकेवेशन किया हमने फुटिंग के लिए और फुटिंग के लिए एक्सकेवेशन जो हमने किया उसका जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है और यहाँ पर आपकी जो BOQ की क्वांटिटी है वो 400 क्यूबिक मीटर है, यानी कि टोटल इस प्रोजेक्ट में 400 क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन करना है हमें फुटिंग के लिए। लेकिन अभी हमने जो इस महीने में एक्सकेवेशन किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये आपको मिलता है क्वांटिटी और यहाँ पर आपको मिलता है अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी और अमाउंट में दो चीज़ें आपको मिलती हैं। क्वांटिटी में आपको ये सबसे पहले मिलेगा प्रीवियस क्वांटिटी, इसके बाद आपका दिस बिल क्वांटिटी और इसके बाद आपका टोटल क्वांटिटी। इसी तरीके से आपको अमाउंट में देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रीवियस अमाउंट, इसके बाद आपका दिस बिल अमाउंट और इसके बाद आपका आएगा टोटल अमाउंट। तो आपको ये चीज़ें क्यों दे रखी है, क्वांटिटी में प्रीवियस क्वांटिटी, अमाउंट में प्रीवियस अमाउंट, दिस बिल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर जो प्रीवियस हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस, अब जैसे कि अगर आप पहला बिल यहाँ पर बना रहे हो तो पहले बिल में प्रीवियस क्वांटिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पहला महीना है वो पहले महीने का आप बिल बना रहे हो, तो पिछले महीने आपका काम ही स्टार्ट नहीं हुआ था तो वहां पर आपकी क्वांटिटीज रहेंगी जीरो। इसी तरीके से जो प्रीवियस क्वांटिटी जीरो है तो प्रीवियस अमाउंट भी आपका जीरो रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। अब जैसे कि आप अगले महीने जब बिल बनाओगे, यानी कि अभी आपका पहला बिल है और पहले बिल के बाद जब आप अगले महीने दूसरा बिल बनाओगे तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं जो आपको यहाँ पर दिस बिल में मिल रही हैं तो ये दिस बिल वाली जो क्वांटिटीज है वो सारी चली जाएंगी प्रीवियस में और जो नया सारा आप काम करोगे अगले महीने वो आप दिस बिल में, यानी कि ये नया जो आपका दिस बिल वाला कॉलम है इसमें आप शो करोगे। इसी तरीके से अमाउंट जो आपका ये अभी जो सारा अमाउंट आ रहा है ये प्रीवियस में चला जाएगा और दिस बिल में जो आपका नए महीने में जो आपने काम किया वो सारा यहां पर आपका शो होगा। और टोटल में आपको क्या मिलता है, टोटल में आपको मिलता है यानी कि जो आपने प्रीवियस में काम किया और जो इस बिल में काम किया वो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी हो रही है। इसी तरीके से अमाउंट में जो पिछले महीने का अमाउंट है और जो इस महीने का अमाउंट है वो यहां पर आपको दोनों ऐड करके आपको दिखाना होता है टोटल अमाउंट। अब ये जो है ये आपका कहलाता है कम्युलेटिव क्वांटिटीज, यानी कि हम पिछले जितने भी महीने का काम करते हैं वो सारा हम एक जगह ऐड करके प्रीवियस क्वांटिटी में दिखाते हुए चलते हैं। ये हम किस लिए दिखाते हैं, ताकि आपका जो BOQ की क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है यानी कि जो हमें टोटल एक्सकवेशन करना है वो 400 क्यूबिक मीटर करना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अब क्लाइंट जो है उसको एक वेरिफिकेशन चाहिए कि आप यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो BOQ की लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो तीन महीने में 400 क्यूबिक मीटर से ऊपर का एक्सकवेशन क्लाइंट को शो कर दे रहा है कि मैंने 500 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन कर दिया, लेकिन जबकि BOQ में सिर्फ 400 क्यूबिक मीटर था। तो क्लाइंट को कैसे पता लगेगा, क्लाइंट को यहां से पता लगेगा कि प्रीवियस क्वांटिटी यानी कि आपने पहले महीने में 200 किया, अगले महीने में 100 किया, फिर अगले महीने में आपने 100 किया, तो तीन महीने में आपका टोटल 400 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन हो गया। अब आप पांच महीने में जाके
नहीं दिखा सकते हो। तो प्रीवियस में जितने भी पिछले महीने का काम किया है वो सारा इकट्ठा एक जगह दिखाना है, और दिस बिल का आपको दिस बिल वाले कॉलम में दिखाना है, फिर टोटल में आप ऐड कर दोगे प्रीवियस और दिस बिल को। तो इस तरीके से ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटीज हैं, जिससे कि पता चलता है कि आप बीओक्यू की क्वांटिटी यानी कि जो टोटल काम होना है प्रोजेक्ट पे उससे ऊपर तो नहीं जा रहे हो, उससे ऊपर तो अमाउंट नहीं ले रहे हो आप। तो ये सारी चीजें इसलिए दे रखी होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जैसे कि एक्सक्यूशन किया फुटिंग के लिए हमने एक्सक्यूशन किया, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर और इसकी बीओक्यू की क्वांटिटी है 400 क्यूबिक मीटर, लेकिन हमने इस महीने में काम किया सिर्फ 200 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर आपको दिस बिल क्वांटिटी में ये मिलता है 200 क्यूबिक मीटर आपने काम किया। जो यूनिट रेट है इसका वो 230 रुपये क्यूबिक मीटर है, यानी कि जो आपका क्लाइंट का जो डील हुआ है रेट पे, क्लाइंट आपको 230 रुपये क्यूबिक मीटर एक्सक्यूशन के पैसे दे रहा है। आपने इस महीने में काम किया 200 क्यूबिक मीटर और आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा आपका 46,000 रुपये, 46,000 रुपीज। प्रीवियस क्वांटिटी जीरो रहेगी क्योंकि ये आपका पहला बिल है, पिछले महीने काम स्टार्ट आपका नहीं हुआ था, और प्रीवियस अमाउंट भी आपका रहेगा जीरो। तो इस तरीके से आपका जो टोटल अमाउंट जो रहेगा वो आपका रहेगा 46,000, अगर पिछले महीने कुछ होता तो वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाता, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीसीसी के, पीसीसी फॉर फुटिंग 40 mm का एग्रीगेट M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो रेट हमने कोट किया था क्लाइंट को, जो हमारा क्लाइंट के साथ डील हुआ है वो हमारा हुआ है 7500 रुपये यूनिट रेट है ये हमारा, 7500 रुपये पर क्यूबिक मीटर, और ये विद मटेरियल के चार्जेस हैं। और हमारा टोटल जो पीसीसी कास्ट होना है फुटिंग के लिए वो हमारा 32 क्यूबिक मीटर होना है, लेकिन अभी हमने जो इस महीने में कास्ट किया वो सिर्फ 15 क्यूबिक मीटर हमने कास्ट किया, और हमारा जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,12,500 रुपये। इसके बाद हम देखेंगे आरसीसी, हमने फुटिंग में जो कंक्रीट कास्ट किया यानी कि आरसीसी पार्ट जो हमारा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 है, और जो हमारा यूनिट रेट है जो हमारे क्लाइंट के साथ तय हुआ है वो हमारा है 10,500 रुपये क्यूबिक मीटर, और जो टोटल आपका फुटिंग में आरसीसी कास्ट होना है वो 150 क्यूबिक मीटर है, लेकिन आपने इस महीने में जो काम किया वो आपने किया 70 क्यूबिक मीटर कास्ट किया, और 70 क्यूबिक मीटर का जो अमाउंट है 10,500 के हिसाब से आपका अमाउंट बनता है 7,35,000 रुपये। इसके बाद आपने शटरिंग लगाया फुटिंग में, और शटरिंग जो है आपका इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर है, 130 स्क्वायर मीटर टोटल शटरिंग लगना है, 310 रुपये स्क्वायर मीटर ये आपका यूनिट रेट है क्लाइंट के साथ तय हुआ है, और आपने इस महीने में जो काम किया वो सिर्फ 65 स्क्वायर मीटर काम किया, 310 के हिसाब से 65 स्क्वायर मीटर का जो अमाउंट है वो बनता है आपका 20,150 रुपये। इसके बाद आपने सरिया लगाया, इसमें जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है और FE500D वाला आपका जो है सरिया लग रहा है यहाँ पर, इसका जो यूनिट है वो केजी है, आपको टोटल जो है 3 टन यानी कि 3000 केजी सरिया लगाना है। आपका जो यूनिट रेट तय हुआ है क्लाइंट से वो 90 रुपये केजी हुआ है, आपने इस महीने में जो सरिया लगाया वो 1600 केजी फिक्स किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक महीने में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, जो इस महीने में आपने काम किया 1600 केजी सरिया लगाया यानी कि 1.6 टन, और इसका जो अमाउंट बनेगा वो आपका बनेगा 1,44,000 रुपये। तो ये सारा हमने काम किया यानी कि हमने ये फुटिंग को रिलेटेड जितना भी सारा काम था वो यहाँ पर हमने शो कर दिया, जो भी काम किया हमने, और भी अगर आप सारे काम करते हैं तो वो यहाँ पर आप शो करोगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है दिस बिल अमाउंट, जो कि आपको बनता है 10,57,650 रुपये। ये आपका टोटल अमाउंट बन जाता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट शीट में आप यहाँ पर शो कर दोगे कि आपने क्या क्या काम किया, कितना जो रेट है वो आपका तय हुआ था क्लाइंट से, और उसके बाद इस बिल का जो अमाउंट है वो आपका बन रहा है 10,57,650 रुपये। इसके बाद हम चलेंगे अगली शीट की तरफ। तो अभी ऐसा नहीं है ये वाला अमाउंट आपको क्लाइंट देगा, 10,57,000 नहीं देगा, इसमें बहुत सारी चीजें अभी ऐड होंगी जिसको हम बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट शीट है हमारी, ये है हमारी बिल वेरिफिकेशन शीट, और इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बिल वेरिफिकेशन ये यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरीके से। अब बिल वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखो वैल्यू टिल लास्ट बिल, यहाँ पर आपको मिलता है वैल्यू टिल लास्ट बिल, वैल्यू ऑफ दिस बिल और कम्युलेटिव वैल्यू, यानी कि वही चीज़ क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आपने पिछले महीने में कितना पैसा आप क्लाइंट से ले चुके हो, तो इसलिए वो इस तरीके का डेटा जो है वो कलेक्ट करके रखता है, और वो आपसे बोलता है कि आप कम्युलेटिव क्वांटिटीज़ को बना के चलो। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ दिस बिल यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट शीट के हिसाब से जो आपका अमाउंट है वो 10,57,650 रुपये, जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन, हमारा जो काम हुआ, जो हमारे काम की जो वर्क डन की जो वैल्यू है वो है आपकी 10,57,650। इसके बाद आपका आता है वेरिएशन डेविएशन आइटम्स, यानी कि अगर क्लाइंट किसी भी चीज़ को लेकर के चेंज कराता है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि एक्सक्यूशन पहले आपका हाइड्रोलिक एक्सक्यूटर से हो रहा था लेकिन अब क्लाइंट बोल रहा है कि आप मैनुअली कराओ, जेसीबी का यूज़ मत करो, तो वहाँ पर आपका जो है रेट्स ऊपर नीचे जाएगा, तो वो आप यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। अब इसके लिए शीट्स आपको बनानी पड़ेंगी, अलग से डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट आइटम्स, यानी कि अगर आप
को क्लाइंट बोल रहा है कि आपको FE500D लगाना था, लेकिन आपको लगाना था टाटा स्टील का, लेकिन अभी आपको टाटा का मार्केट में शॉर्ट हो गया तो आप लगा रहे हो यहाँ पर जिंदल का। तो इस तरीके से जब रेट चेंज होगा तो वो आपका होगा सब्स्टिट्यूट आइटम्स। सब्स्टिट्यूट आइटम का मतलब है कि आप एक आइटम की जगह दूसरे आइटम का यूज़ कर रहे हो अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है तब। इसके बाद आपका आता है वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स एग्जीक्यूटेड, यानी कि क्लाइंट चाहता है कि कुछ उसने आपसे एक्स्ट्रा काम करा लिया जो कि आपकी BOQ में नहीं था, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसके बाद बेसिक रेट मटेरियल एडजस्टमेंट, मटेरियल एडजस्टमेंट यानी कि अगर आपके मटेरियल के रेट्स बढ़ जाते हैं मार्केट में और आपको वहाँ पर क्लाइंट अलाउ करता है कि मटेरियल के रेट्स बढ़ते हैं तो वो आपको पे करेगा, तो फिर उसके लिए आपकी अलग से शीट बनेगी और यहाँ पर उसका अमाउंट आप जिस बिल में शो कर दोगे कि इस महीने में कितना मटेरियल का रेट बढ़ गया और कितना मटेरियल आपने लगाया, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा जिसके लिए आपकी एक अलग से सेपरेट शीट बनेगी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्राइस एस्केलेशन आपका आएगा और प्राइस एस्केलेशन में हम यहाँ पर शो करेंगे इस तरीके से अमाउंट। प्राइस एस्केलेशन का क्या मतलब है, जब भी आप कभी लेबर के रेट्स बढ़ते हैं तो वो आपके प्राइस एस्केलेशन कहलाता है। अगर क्लाइंट आपको अलाउ करता है एस्केलेशन तभी आप ये अमाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मान लीजिए पिछले महीने में या फिर एट द टाइम ऑफ टेंडर आपका जो लेबर का रेट था वो 450 रुपये था, लेकिन अभी 500 रुपये हो गया, तो एक महीने में 500 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट आपका बढ़ गया वो आप यहाँ पर प्राइस एस्केलेशन में उस अमाउंट को शो करोगे। यानी कि 10,57,000 का BOQ के हिसाब से काम था, लेकिन जो चेंजेस आए, जो एक्स्ट्रा आइटम आया, जो सब्स्टिट्यूट आइटम आया, जो प्राइस एस्केलेशन आया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शो की और हमारा जो अमाउंट है वो अब बढ़ जाएगा और वो हमारा हो जाता है 11,01,254 रुपये। ये आपका टोटल वर्कडन, अब यहाँ पर ये नया वर्कडन आपको मिल जाता है जिसमें कि बहुत सारे आइटम्स जो BOQ के हिसाब से नहीं थे, जो अलग से आए, वो सारा हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपको मिल जाता है 11,01,254 रुपये। इसके बाद हम देखेंगे जैसे हमें ये अमाउंट मिलता है इसके बाद अब इस पर लगेगा GST। यहाँ पर 18% जो है आप GST लगाओगे, यानी कि आपका जो बिल बन रहा है वो 11 लाख का बन रहा है, इस पर आप 18% GST लगाओगे, क्योंकि जब आपको क्लाइंट पैसा देगा तो उससे आपको 18% का GST बनना पड़ेगा। तो 18% का आपका जो GST है वो आपका 11 लाख पर लगेगा और उसका जो अमाउंट बन रहा है वो आपका बन रहा है 1,98,225 रुपये। और इस अमाउंट को आप 11 लाख में ऐड करोगे तो आपका बनेगा अमाउंट 12,99,480 रुपये। यानी कि 11 लाख में आपने 18% GST ऐड किया जो कि 1,98,000 है और आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 12,99,000। यानी कि ये पैसा आपको क्लाइंट जो है रिलीज करेगा 12,99,000, लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको पहले से कुछ एडवांस दे रखा है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो उस पैसे को वहाँ पर इस पैसे में से काट लेगा। यानी कि 12,99,000 में से आपका जो भी एडवांस है वो आपका कट जाएगा। अब कौन कौन सा अमाउंट वो काट सकता है यहाँ पर उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आपका TDS। TDS यानी कि सेस आपका 2% कट रहा है, 2% और 1%, दो क्लॉजेज हैं सेस के, 1% होता है, एक में 2% होता है। तो अगर 2% है तो 2% आपका सेस जो है वो इस अमाउंट से कटेगा। जितनी भी रिकवरीज होंगी वो आपके टैक्स वाले अमाउंट से नहीं होंगे, यानी कि 1,98,000 ऐड करने से पहले का जो अमाउंट है, यानी कि जो 11 लाख है, सारी रिकवरीज 11 लाख वाले अमाउंट से होंगी और यहाँ पर आपका जो 2% सेस है वो आपका यहाँ से कटेगा 11 लाख वाले अमाउंट से। इसके बाद मोबिलाइजेशन एडवांस अगर आपको क्लाइंट ने दे रखा है तो वो आप यहाँ पर दिखा रहे हो, बाहर आपका 1,25,000 आप यहां पर शो कर रहे हो कि 1,25,000 आपको क्लाइंट ने मोबिलाइजेशन एडवांस दिया था काम स्टार्ट करने से पहले ताकि आप काम स्टार्ट कर सको, तो वो पैसा आपका 11 लाख में से कटेगा। इसके बाद मटेरियल एडवांस अगर दिया होगा तो यहां पर आप दिखा दोगे कि कितना आपका मटेरियल एडवांस आपको दिया था उसने। इसके बाद आपका रिटेंशन मनी हर प्रोजेक्ट में कटता है, तो 5% या फिर आपका जो भी डील होता है क्लाइंट के साथ वो आपका रिटेंशन मनी यहाँ पर कटेगा। 5% है तो 11 लाख पे जो आपका 5% बैठता है वो आपका 55,062 रुपये बैठता है, ये आपका यहाँ पर अमाउंट है। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस गारंटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, लिक्विडेटरी डैमेजेस है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है तो लेट होने पे क्या पेनल्टी आप पे पड़ेगी, और आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी यानी कि कार पॉलिसी, वो आपको यहाँ पर सारे अमाउंट अगर आप पे क्लाइंट खर्च करता है तो यहाँ पर आप शो कर दोगे। और इसके बाद जो आपका अमाउंट है 12,99,000, उसमें से ये आपका 2,02,087 रुपये कट जाएगा। यानी कि हमने इन तीनों वैल्यूज को एक जगह ऐड किया और ये आपका बनता है 2,02,087 रुपये। और फिर हम नीचे आएंगे शीट में और ये सारा जो अमाउंट है वो इसमें से आपका कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 12,99,000 में से हमने ये 2,00,000 रुपये काट दिए और हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो हमारा बन रहा है 10,97,000। 12,99,000 में से ये 2,02,000 हमने काटी तो हमारा अमाउंट बन रहा है 10,97,392 रुपये। ये आपको जो है क्लाइंट पे करेगा, इसमें सारी रिकवरीज उसने कर ली।
क्योंकि रिकवरीज करने के बाद आपका जो अमाउंट है 2 लाख रुपए कट रहा है, वो 2 लाख रुपए 12,99,000 में से काटेगा। इसके बाद जो है अब आपको फाइनल एक शीट बनानी है जो कि आपकी होगी टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको बेसिक डिटेल्स भरनी रहती हैं। और यहाँ पर आपको आप देख सकते हो ये आपका टैक्स इनवाइस है, इसमें आपको इनवाइस नंबर दिखाना है, जीएसटी नंबर है आपका, पैन नंबर है, और इसके बाद आपका सीआईएन नंबर है। ये सारी आपकी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारे आपके रहेंगे। इनवाइस नंबर में आप दिखा दोगे पहली इनवाइस है, दूसरी है, तीसरी है, जैसे जैसे बिल बनाते हैं तो वो उसी तरीके से आपका इनवाइस नंबर सेट हो जाता है। इसके बाद हमने दिखाया जो हमारा जो सिविल और स्ट्रक्चर का वर्क जो था उसका जो अमाउंट बन रहा है, यानी कि जो बिल बन रहा है वो हमारा 11 लाख का बन रहा है, और 11 लाख पे आपका इतना जीएसटी लग रहा है, और जीएसटी लगने के बाद आपका जो अमाउंट है वो 12,99,480 रुपये का बन रहा है। यानी कि जो आपका टैक्स इनवाइस बनेगा वो आपका 12,99,000 का बनेगा, लेकिन बिल वेरिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो पैसा है वो कितना आने वाला है, कितना रिटेंशन उसने रोक लिया, कितना टीडीएस काट लिया, कितना मोबिलाइजेशन एडवांस काट लिया। तो इस तरीके से आपका टैक्स इनवाइस बन गया। और फिर यहाँ पर नीचे आप देखोगे आकर के इसमें आपका जो भी ऑथोराइज सिग्नेचर वगैरह है वो आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा, और इस तरीके से आप अमाउंट इन वर्ड्स में यहाँ पर शो करोगे, और ये आपको यहाँ पर टैक्स इनवाइस के थ्रू आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में क्लाइंट के थ्रू। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो है बिल बनाया जाता है। अब बिल वेरिफिकेशन में हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी, जैसे कि आपका बिल ऑफ सब्स्टिट्यूट आइटम्स, वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स एग्जीक्यूटेड, बेसिक रेट, मटेरियल एडजस्टमेंट, प्राइस एस्केलेशन, रिकॉन्सिलेशन, ये सारी शीट्स आपको यहाँ पर इसके साथ आगे अटैच करनी रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी एडजस्टमेंट शीट है, इसके बाद आपकी एस्केलेशन शीट है, इसके बाद आपकी यहाँ पर जो है रिकॉन्सिलेशन शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी रिकॉन्सिलेशन शीट है। तो ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉन्सिलेशन का मतलब है कि आपको क्लाइंट कितना परसेंट वेस्टेज अलाउ कर रहा है और आप कितना परसेंट वेस्टेज कर रहे हो। अगर आप एक्सेस में जा रहे हो, यानी कि आप जो वेस्टेज परसेंटेज क्लाइंट ने आपको अलाउ की है उससे भी ज़्यादा आप वेस्टेज करते हो तो क्लाइंट उसका पैसा आपसे काटेगा। तो ये आपकी रिकॉन्सिलेशन शीट है, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एस्केलेशन शीट बनाना चाहते हो, यानी कि अगर आपका लेबर का रेट बढ़ जाता है तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हो कि आपका जो रिकॉन्सिलेशन शीट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, आपका जो एस्केलेशन शीट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, जो आपका मटेरियल एडजस्टमेंट शीट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें भी सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हो, ताकि हम इसके लिए आगे वीडियो लेकर के आएँ। और अगर आप ये सारी चीज़ें एकदम प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के ये सारी ब्लिंक करें, मान लेते हैं कि हमारा 10 महीने में काम कंप्लीट होता है, तो 10 महीने के जो बिल हैं वो किस हिसाब से बनाए जाएंगे, क्या क्या काम हम हर महीने कर रहे हैं और उसका बिल किस तरीके से बनाया जाएगा, लास्ट में रिटेंशन मनी किस तरीके से वापस ली जाएगी क्लाइंट से, और क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप एकदम सिस्टमेटिक वे में प्रोफेशनल तरीके से सिक्वेंस में सीखना चाहते हो विद आपके एक्सेल फॉर्मेट्स, पीडीएफ्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आप रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारा ब्लिंक जो है एकदम प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता है। और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो कि हमारे एस्टिमेशन को लेकर के हैं, जिसमें आपको बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, ये सारी चीजों का एस्टिमेशन सिखाया जाता है, आप प्लानिंग सीख सकते हैं। और इन सारे कोर्सेज के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।